गांधी आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि सीएए वो अगर सरकार में आ गए तो यहाँ लागू नहीं होने देंगे। आप लोग के बारे में आरोप लग रहा है कि आप लोग कुछ खुलकर उस पर नहीं कह रहे हैं कि सीएए पे आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, प्रदेश अध्यक्ष क्या आप बता पाएंगे? देखिए, स्टैंड का बात खुल के बोलने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में तो हम लोग के पास क्या है। ये चीज के लिए एक भी असम का नुकसान होने नहीं दूंगा हम लोग। राहुल वही कह रहे हैं कि आप लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट करेंगे, डर गए हैं आप लोग। इम्प्लीमेंट करेगा, क्यों नहीं करेगा? जो रोल फ्रेम करना है, जो पार्लियामेंट का बात है, स्टैंडिंग कमेटी बात है, उनका इसमें जानकारी नहीं है। जब हो जाएगा तो आप लोग सीए के लिए हम लोग का बूथ का जो अध्यक्षगण है, बहुत अच्छा करके राहुल जी जितना जानता है ना, उनसे मेरा बूथ का जो अध्यक्ष है बहुत जानकारी है उनका। डेफिनेटली सीए तो हम लोग के तो लाया था, प्रपोज कौन किया था? हम लोग लाया था। सारा भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का, भारतीय जनता पार्टी ने सीए का स्टैंड लाया था और खुद हम भी बोला था अध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। और भाजपा क्या जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का ऊपर काम करता है, भाजपा ने शासन लेने के लिए सरकार नहीं बनाया, देश निर्माण करने के लिए सरकार बनाया। 370 लोगों तो बोलता था ये सपना का बात है, सपना का बात है, क्या हुआ है? 370 हम लोग इजी करके ले आए हैं, तो कुछ तो नहीं हुआ। एक तो मारपीट भी नहीं हुआ है, ट्रिपल तलाक हम लोग लाया है, लोगों ने बोलता है समक दिखाने के लिए बोलता है, समक हम लोग इम्प्लीमेंट किया है। इसी का भी